नव संवत्सर की और चैत्र नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज क्योंकि माता का पहला नवरात्रा है तो ये एक आरती है माता की दो इसके जो वर्ड्स हैं वो ये कहते हैं कि सुबह के टाइम गाई जा रही है ये लेकिन इस पूरे संसार में कहीं ना कहीं तो भोर हो ही रही है तो <laughs> मैं यही समझ के इसको गा रही हूँ <laughs> दिन चढ़ गया मेरी अम्बे भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे हो रही जय जय कर मंदिर विच आरती जय माँ हे दरबार वाली आरती जय माँ पहाड़ा वाली आरती जय मां काहे मैया तेरी आरती बनावा दी मैया तेरी आरती बनावा कहे पावा विच बाती मंदिर विच आरती जय मां सु चोले वाली आरती जय माँ मां पहाड़ा वाली आरती जय सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा अगर कपूर पावा बाती मंदिर विच आरती जय मां हे मा पिंडी रानी आरती जय मां हे पहाड़ा वाली आरती जय मां कौन सुहागन बाले आ मेरी मैया कौन सुहागन दीवा बाले आ मेरी मैया कौन जागेगा सारी रात मंदिर विच आरती जय मां सचिया जोता वाली आरती जय मां हे पहाड़ा वाली आरती जय मां सर्व सुहागन दीवा बालिया में वो सांचे दरबार की जय थैंक यू अंजु जी बिल्कुल आपने तो पहुंचा दिया वहां माँ के दरबार बहुत ही अच्छा थैंक यू हाँ आज का टॉपिक जो है जी वो है वासना वर्सेस उपासना तो ये लिया गया है थीम बाई में श्लोक और मामा अध्याय से महाराज जी के सजेशन से ही हम आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर आज हम हमारे गुरु भाई मारकंडे हुजा जी आपको और से समझाएंगे डॉक्टर साहब और आप सभी को पुनः नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज का विषय भी उसके अनुरूप ही है क्योंकि महाराज जी ने जो श्लोक चुना अन्य चिंतो मां ये जना उपासते तेशाम नित्य अभियुक्ता नाम योग शेम वहामी अहम यानी अनन्य भाव से जो मेरी चिंता करते हैं जो मेरा चिंतन करते हैं उनकी भी रोजमर्रा के काम जो उनको भगवत प्राप्ति के लिए चाहिए उनकी भी पूर्ति मैं करता हूं इस श्लोक की व्याख्या करने से पहले यदि हम पिछले श्लोक में चलें तो पिछले श्लोक में को भी समझने से पहले हमें समझना होगा अपने मन को मन हमें बाहर तो बांटता ही है परंतु हमें भीतर से भी बांटता है मन हमेशा द्वंद्व में रहता है मन हमेशा हमें खंडित करता है खंड खंड करके रखता है और यदि मन खंड खंड रहेगा तो हम हमेशा द्वंद्व में जिएंगे और द्वंद्व जीवन में हमेशा हमें धोखा देगा ही देगा और इसी द्वंद्व को निकालने की प्रक्रिया क्योंकि अर्जुन भी द्वंद्व में है तो अर्जुन के माध्यम से हमी, हम हम सबको द्वंद्व से निकालने की प्रक्रिया भगवान कृष्ण ने गीता के रूप में अपनाई साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि हम हमारा जो मन है वो बहुविषयक है इट इज मल्टी साइकिक और इसलिए एक स्थान पर टिकता ही नहीं है और यहां भगवान इस श्लोक में हमें अपने मन को एक स्थान पर टिकाने की बात करते हैं अनन्य, अनन्यास अनन्याचि यानी एक ही भाव से और मन हमें संसार की तरफ ले जाता है आत्मा हमें भीतर की तरफ ले जाती है मन उसी तरह आत्मा को ढके रहता है जैसे मानो नदी के ऊपर पत्ते पड़े हैं पत्ते हट जाएं तो हमारी आत्मा सामने से निखर कर आ जाती है और वो पत्ते किस चीज के हैं पत्ते हमारे क्रोध के लोभ के मोह के माया के ईर्षा के ये सब पत्ते जो हमारी आत्मा रूपी नदी को ढके हैं वो मन से हमें निकलने ही नहीं देते और इसी मन से निकालने के लिए भगवान कृष्ण इस श्लोक में व्याख्या करते हैं मन हमेशा हमें धोखा देगा क्योंकि विषयों का चिंतन करता है और जब हम धोखा देने पर ही अमादा हो तो हमें यही नहीं पता लगता कि हम धोखा किसी दूसरे को दे रहे हैं या धोखा खुद को दे रहे हैं धोखा स्वयं को दे रहे हैं मैंने सुना कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था तो लोगों को फौज में भर्ती किया जा रहा था और जबरदस्ती सबके लिए कंपलसरी कर दिया गया टू एंटर आर्मी। अब कहते हैं एक एक्स व्यक्ति को भी भर्ती होने के लिए किया कहा गया तो वो भर्ती होना नहीं चाहता था उसका मेडिकल हुआ हर जगह पे ठीक चीजें बताई ना मैं तो आंखों का डॉक्टर हूं इसलिए उसके आई टेस्टिंग का बता सकता हूं कि डॉक्टर ने उससे पूछा सामने क्या है उसने कहा मेरे को तो कुछ नहीं दिखाई देता डॉक्टर ने कहा बोर्ड दिखता है तो कौन सा बोर्ड मेरे को तो बोर्ड भी नहीं दिखाई देता डॉक्टर ने उसके हाथ में थाली दे दी तो उसने कहा ये मेरी अठन्नी तो मैं कहां से मिली यानी दैट काइंड ऑफ ही ट्राइंग टू गिव थाली को अठन्नी बता रहे एनी वे anyway, डॉक्टर्स ने सोचा कि ये बंदा तो बिल्कुल अनफिट है आर्मी के इसको छोड़ो इसको छोड़ दो अब ये बंदा वहां से छुटा और सीधा मैटनी शो में पिक्चर देखने चला गया जब इंटरवल हुआ तो ही सरप्राइज्ड कि वो डॉक्टर भी वहीं बैठा था इस नेक्स्ट सीट पे जहां ये पिक्चर देख रहा था अब इस बंदे ने सोचा कि मामला तो बिगड़ गया ये तो अब तेरे को फिट करेगा पर इसने फिर तरकीब लगाई क्योंकि धोखा देना है, इसने फिर तरकीब लगाई फिर उपाय सोचा फिर कोई स्कीम बढ़ाई और कहने लगा एकदम उठ के बस कहां जाएगी यानी थिएटर में बैठा व्यक्ति कि बस कहां जाएगी धोखा देने पर या जब हम अमादा हो तो हम कुछ भी धोखा देते हैं कुछ भी झूठ बोलते हैं और ये धोखा हम किसी से नहीं करते अपने आप से करते हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण है और जब भगवान कृष्ण अनन्य भाव की बात करेंगे तो हमें इस धोखे से निकलने की बात अनन्य यानी जब कोई अन्य ना हो और जब कोई अन्य नहीं होगा तो निश्चित रूप से वहां हमारा मन नहीं होगा इसलिए वो अनन्य भाव और इसीलिए जब हमारा मन होगा तो सब चीजें हमारी सकाम होंगी और जब मन नहीं होगा तो वो निष्काम होगा इसीलिए निष्काम भाव से भगवान ने कहा अनन्यास चिंत अंतो माम ये जना परि यानी निष्काम भाव से जो मेरी उपासना करते हैं यहां पर प्रश्न वासना और उपासना का उठता है इसलिए हमें वासना को समझना है और उपासना को समझना है निष्काम भाव की जब मैं बात आपको करने से पहले विवेकानंद के जीवन की एक छोटी सी बात बताकर इस बात को एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा स्वामी विवेकानंद परमहंस के पास गए और उनसे कहा कि क्या तुम तो मुझे परमात्मा के दर्शन करवा सकते हो उन्होंने कहा तुरंत अभी ले आज तक विवेकानंद को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जो ये कह दे कि हां मैं परमात्मा के दर्शन करवा सकता हूं किसी ने नहीं कहा था परंतु परमहंस ने कहा और जब परमहंस ने कहा तो विवेकानंद उसी समय समझ गए के परमहंस गुरु बनाने के लायक है उन्हीं दिनों विवेकानंद के पिता का देहांत हुआ घर के हालात अच्छे नहीं थे घर में रोटी का सबसे पहले सवाल था और इसलिए जब पेट खाली हो तो भगवान की भक्ति भी बड़ी मुश्किल हो जाती है तो विवेकानंद जब पुनः परमहंस के पास आए तो परमहंस जान गए कि ये व्यक्ति दुविधा में है उन्होंने कहा कि देख माँ काली जैसे अभी गाने में कहा गया भजन में कहा गया कि माँ सब कुछ देती है कि माँ सब कुछ देती है जब मां से मांग ले परमहंश माँ काली के मंदिर के दरवाजे पर ही बैठे रहते थे उन्होंने कहा जा माँ के पास और जा मांग माँ से मांग ले विवेकानंद अंदर गए दर्शन किए और वापस आ गए परमहंस ने कहा माँ से मांगा अपने परिवार का कल्याण अपने परिवार के लिए रोटी तो उसने कहा मां के दर्शन पाने के बाद कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं रही परमहंस ने कहा मूर्ख जाके फिर मांग माँ सब कुछ देती है दूसरी बार भेजा फिर वैसे ही तीसरी बार भेजा फिर वैसे ही तब परमहंस ने कहा कि तेरी प्रार्थना भगवान को तेरी प्रार्थना मां काली को साकाम नहीं है निष्काम है और जब तू इस भाव से मेरा भक्त बनेगा काली का भक्त बनेगा इस दुनिया का कल्याण करने में अग्रणीय रहेगा ये मेरा तेरे को आशीर्वाद यानी ये निष्काम भाव है कि जब हम निष्काम भाव से प्रभु के मंदिर में जाएं परंतु हमारी सारी प्रार्थनाएं कुछ ना कुछ मांग की हैं चाहे वो धन अधिक मांगने की हो चाहे वो प्लॉट अधिक मांगने की हो चाहे वो प्रैक्टिस और चलाने की हो चाहे वो विदेश ले जाने की हो कहीं ना कहीं हमारी वासना उस प्रार्थना में उस उपासना में टिकी है और जब तक ये वासनाएं हमारे साथ हैं वो प्रार्थना हो ही नहीं सकती इसलिए प्रभु ने कहा अनन्य भाव से जो मेरी चिंता करता है उनका योग और शेम, मैं दोनों ही संभाल लेता हूं अब लोग ये कहते हैं अक्सर इस पर प्रश्न उठाए जाते हैं योग और शेम पर योग तो सब लोग कहते हैं ठीक है कि प्रभु से मिलना अनन्य भाव से यदि हम उपासना करेंगे तो प्रभु से मिलने की बात तो ठीक है पर परमात्मा को क्या पड़ी कि हमारा रोज का जो धंधा है वो भी हमारा पूरा करे तो प्रभु कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने के लिए जो जो सुविधाओं की तेरे को आवश्यकता पड़ेगी वो वो भी मैं पूरी करूँगा ऐसा मेरा तेरे को वायदा है परंतु हमारा जहाँ पर भी हम जाएंगे वहां पर माँ के मंदिर में जाकर भी यही कहते हैं कि माँ अगले साल मुंडा दे दी फिर आवागे दर्शन करने ये मुंडा होया था अगले साल फिर सोने का छत्र चढ़ा रहे परंतु ये अनन्य भाव नहीं है ये वासना का भाव है ये उपासना का भाव नहीं है अभी भजन में आपने ध्यानु भक्त का सुना ध्यानु भक्त बचपन से ज्वाला माई के मंदिर में थे माँ बाप चले गए पुजारी ने कह दिया यही तेरी मां है और उसी को मां मानकर ध्यान में लग गए और अंततः माँ ने दर्शन दिए और अपना पुत्र माना और ध्यानों की बात का हमेशा मान रखा और कहते हैं कि जब ध्यानु एक दिन जा रहे थे मां के दर्शन करने के लिए तो रास्ते में अकबर की सेना भी जा रही थी तो अकबर के सेनापति ने पूछा भी तुम लोग कहाँ जा रहे हो उन्होंने कहा हम मां के दर्शन करने जा रहे हैं। उसने कहा मां कौन उन्होंने कहा इस दुनिया में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो मां है तो उन्हें कहा सर्वश्रेष्ठ तो इस दुनिया में अकबर है तो अकबर ने कहा कि तू कैसे कह सकता है कि तेरी मां सर्वश्रेष्ठ है अकबर ने ध्यानु के घोड़े का सिर काट दिया ध्यानु ने माँ से प्रार्थना की परंतु वो प्रार्थना आर्त नहीं थी रुका फिर ध्यानु ने अपना सिर चढ़ा दिया और जब ध्यानु का सिर चढ़ा तो तब मां ने दर्शन दिए दोनों के सिर को जोड़ा और तब अकबर नंगे पांव माँ के मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाने गया जिसे हम कहते हैं नंगे पैरी अकबर आया सोने दा छत्र चढ़ाया और कहते हैं क्योंकि अकबर ने सकाम भाव से वो छत्र चढ़ाया था सोने का तो चढ़ाते ही तुरंत वो किसी और धातु में तब्दील हो गया और वो छत्र अभी तक वहीं पर है सकाम और निष्काम में यही भेद है सकाम कभी फलित नहीं होगा और निष्काम तो फलित है ही ऐसा हमें समझना है इसलिए भगवान कहते हैं अनन्य भाव अनन्यास चिंतो माम ये जना परी उपासते जो लोग इस ढंग से और एक छोटा सा उदाहरण और आप लोगों को देता हूं बादशाह था उसका गुलाम था हम अक्सर जब मान लो हमें कोई तकलीफ हो जाए तो हम कहते हैं भगवान तूने कैसा हमारे साथ किया हम ही मिले थे तुझे बुरा करने के लिए या मैंने तेरा क्या बिगाड़ा कि तूने ऐसा किया तो एक बादशाह था जिसका गुलाम था और अनन्य भाव से वो गुलाम बादशाह की सेवा करता था बादशाह भी उसे उतना ही सम्मान देता था जो खुद खाता था पहले उसे देता था एक दिन जंगल में दोनों को कुछ भी खाने को नहीं मिला खाने को केवल और केवल कुछ एक पेड़ पर फल लगे थे कुछ शायद बेल के थे या संतरे के थे कोई फल लगे थे वो फल एक ही फल लगा था वो उन्होंने तोड़ा राजा ने वो फल छीला और उसका एक टुकड़ा अपने गुलाम को दिया गुलाम ने कहा महाराज ये तो बड़ा स्वादिष्ट है मुझे थोड़ा सा और दो उसने और मांग लिया और मांग लिया महाराज ने कहा तेरे को आधा तो दे दिया आधा तो मैं भी खाऊंगा मेरे को भी भूख लगी है उसने कहा नहीं नहीं महाराज आज तो आप मेरे को और दे दो महाराज ने उसे नब्बे प्रतिशत दे दिया और एक फांक अपने पास रखी और खाई जाए और कहे जाए महाराज ऐसे फल तो आपने कभी खिलाए ही नहीं इतने मीठे फल मैंने जिंदगी में नहीं खाए महाराज ने सोचा कि चलो इतने मीठे कह रहे तो मैं भी टेस्ट करके तो देख ही लू तो वो लास्ट फल मांगता रहा परंतु महाराज ने सोचा तो ही खा ले तो महाराज ने वो खा लिया और वो बिल्कुल कड़वा राजा ने कहा कि मैं तो तू तो कह रहा था ये तो बड़े मीठे हैं और ये तो बिल्कुल कड़वा है उसने कहा मुझे फल से कोई मतलब नहीं है मुझे तुम्हारे हाथों से मतलब है जिन हाथों ने मुझे बचपन से इतना प्यार दिया इतना सम्मान दिया इतना कुछ दिया मेरा संबंध केवल उससे है इस फल की कड़वाहट से नहीं है फल जो भी तुमने दिया मेरे लिए मीठा है तो जेड़ा तेरा पाना मीठा लागे दिस इज द इंटरप्रिटेशन फ्रॉम अनन्य भाव और जिस दिन हम ये समझ जाएंगे उस दिन परमात्मा हमारी ऊपर कृपा स्वयं से करेंगे और जिस दिन हम वासना से भरकर प्रभु के मंदिर में जाएंगे तो वो प्रार्थना कभी फलित भी नहीं होगी और इसलिए जब ये कहा कि योग शेम वहामी है योग और शेम दोनों की चिंता मैं करता हूं और मोहम्मद के जीवन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है मोहम्मद कहते हैं कि अपने जीवन में रोज जो कुछ मिलता था सब बांट कर सोते थे कुछ भी अपने घर में नहीं रखते थे और जब मोहम्मद की आखिरी रात मृत्यु का समय आया आखिरी रात आई तो बड़े बेचैन थे अब पत्नी ने भी सोचा पत्निया आदतन मुश्किल समय के लिए कुछ ना कुछ बचा कर रखती ही है बाय नेचर दे ऑलवेज सेव समथिंग आउट ऑफ द डेली रूटीन सो दैट जब मुश्किल आए आदमी लोग तो शायद इतना ध्यान नहीं देते पर स्त्रियां जरूर ध्यान देती हैं इस बारे में और इसीलिए हम सबके घर चलते भी हैं अन्यथा मुश्किल में तो आदमी खड़ा हो जाए तो उस दिन मोहम्मद की पत्नी ने सोचा कि सब कुछ तो बांट दिया पर पांच दिन रख ले कि रात को कहीं एमरजेंसी हो जाए तो शायद ये काम आए उसने पांच दिनार छुपा कर रख लिए परंतु मोहम्मद की बेचैनी बढ़ती गई और मोहम्मद ने कहा कि मेरा कोई गला दबा रहा है तूने आज कुछ अलग किया क्या तूने कुछ आज रख लिया क्या तो तब पत्नी ने कहा कि हां मैंने पांच दिनार रखे थे मोहम्मद ने कहा कि तुरंत से तू दे आ जाकर तो मोहम्मद की पत्नी ने कहा कि आधी रात है कहाँ जाऊंगी कोई मिलेगा भी नहीं लेने वाला उसने कहा तू जा तो सही और कहते हैं जैसे ही मोहम्मद की पत्नी ने दरवाजा खोला सामने भिखारी खड़ा था मोहम्मद की पत्नी ने उसे पांचों दिनार दिए अंदर आई और उसने कहा कि बाहर भिखारी मिल गया दरवाजे पर मैंने उसे पांच दिनार दे दिए तो मोहम्मद को लगा जैसे उसके गले से बहुत बड़ा वजन हट गया और वो सांस लेने लगे और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि देख जो पांच दिनार लेने आधी रात को आ सकता है तो देने वाला भी पांच दिनार रात को देने आ सकता है आधी रात को इसलिए तो इस बात की कभी चिंता मत करना यदि प्रभु में हमारा अनन्य ध्यान है तो निश्चित रूप से वो हमारी चिंता करेंगे हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और कहते हैं ये शब्द कहकर मोहम्मद ने पासा पलटा और मोहम्मद हमेशा के लिए इस संसारिक जीवन से अपनी विदा पा गए यानी ये अनन्य भाव के भाव हैं जो हमें अपने लिटरेचर में अपनी हिस्ट्री में सब देखने को मिलते हैं और इन्हीं से हम सीखते हैं कि अनन्य भाव क्या होता है और जब बादशाह राम अमेरिका में गए तो सब लोगों को अपने आप को सम्राट राम कहते थे लोग कहते थे अच्छा भिखमंग पहनने को कपड़े नहीं है खाने को रोटी नहीं है और अपने आप को सम्राट कहता और साथ साथ अपने हुक्मनामे जारी करते तो उन्होंने कहा भी तू सम्राट राम काहे का उन्होंने कहा कि मैं सम्राट इन कपड़ों का नहीं हूं मैं सम्राट भीतर के सम्राट की बात कर रहा हूँ और तुम्हारे भीतर के सम्राट को ही नमन करता हूं और तुम भी मेरे भीतर के सम्राट को नमन करो ये अनन्य भाव है और बादशाह राम स्वामी राम तीर्थ जिन्हें हम कहते हैं हमेशा इसी भाव को बनाए रखा उन्होंने अपने पूरे जीवन में और जब लोगों ने उनके साथ रहकर भी देखा तो कहते हैं कि रात को जब सोते थे तब भी उनके रोम रोम में से राम राम की आवाज आती थी श्वास-श्वास में भी उनके राम राम की आवाज आती थी और ये जितने भी महापुरुष हुए इन्होंने इस संसारिक यात्रा में अपने आप को कोई ना कोई बांधने का माध्यम बना लिया अन्यथा वो इस सबसे पार थे उन्होंने ट्रू उपासना में थे वासना में नहीं थे परंतु वासना की कोई ना कोई वस्तु जैसे परमहंस जी के बारे में ही रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में ही कहते हैं उन्हें खाने का बड़ा शौक था बार बार चौके में जाकर देखते कि तूने क्या बनाया और खाने में भी पकौड़े खाने का बड़ा शौक था अब शारदा को कई बार शक होता जो उनकी पत्नी थी कि वाक्य में ही व्यक्ति सिद्ध भी है या नहीं है सारा दिन खाने की बातें करता है। तो एक दिन उसने पूछ ही लिया कि आप सारा दिन खाने की बातें करते हो सिद्ध के हो उसने कहा कि देख मैं तो इस भवसागर सागर को पार कर चुका मेरी नैया तो पार कर रही है परंतु मैंने एक खूटी एक रस्सी बांध कर रखी है क्योंकि अभी मुझे कुछ लोगों को उपदेश देना बिकॉज़ ही वेटिंग फॉर स्वामी विवेकानंद और उसने कहा कि जिस दिन मैंने ये छोड़ दी रस्सी यानी जिस दिन तो ये मानना कि मैंने खाने में अपनी रुचि समाप्त कर दी और मैंने खाने में रुचि अपनी त्याग दी तो उस दिन ये समझ लेना कि तीन दिन के भीतर मेरी मृत्यु हो जाएगी इस बात को कई साल हो गए सालों साल बीत गए शारदा के मन से भी बात उतर गई और एक दिन जब शारदा पकौड़े की थाली लेकर आई तो परमहंस ने मुंह फेर लिया पकौड़ों में उस दिन कोई रुचि नहीं दिखाई तब मां शारदा को याद आया वचन कि परमहंस ने कहा था कि मैंने एक छोटी सी खूटी बांधी हुई और कहते हैं कि उसके तीन दिन के अंदर ही परमहंस ने अपनी आखिरी श्वास ली ये अनन्य भाव है और इस अनन्य भाव को बनाए रखने के लिए हमारी प्रार्थना में केवल और केवल प्रभु का धन्यवाद प्रभु का सिमरण प्रभु का नाम प्रभु के गुणों की चर्चा प्रभु की लीलाओं का वर्तन प्रभु के अवतारों की चर्चा ये सब जब सम्मिलित हो जाती हैं तो वो स्वयं से उपासना बन जाती हैं और जब जब हम मंदिर में किसी मांग के साथ जाते हैं क्योंकि हमारी सारी प्रार्थनाएं मांग हैं और जब जब हम मांग के साथ जाते हैं तब तब हम वो वजन जो प्रभु को चाहिए अपने ऊपर ले लेते हैं तब तब हमारी हालत वैसी ही हो जाती है कि ट्रेन में कोई गांव के लोग जा रहे हैं और अपना सामान सिर पर रखें किसी ने कहा भी ट्रेन में बैठे हो सामान फिर भी सिर पे उन्होंने कहा भी ट्रेन पे क्यों बोझ डालें इसका हम सो गॉड इज लाइक दैट हमारे वजन की गॉड को चिंता नहीं है ये पोटलियां हमें अपने जो सिरों पे हमने रखी हुई हैं कि हम कर रहे हैं वो जिस दिन उतार कर रख देंगे प्रभु की गाड़ी तो चल ही रही है उस दिन हम ऑटोमेटिकली सवार होते चले जाएंगे और प्रभु हमारे योग क्षेम की चिंता करते रहेंगे और यही भाव आज के इस श्लोक का गीता के जो नौवें अध्याय का बाईसवां श्लोक अन्यनाश चिंतो माम ये जना परि उपास तेषाम नित्य भुक्ता नाम योग शेम वहाम और जो लोग एल uh, की पॉलिसी सबके पास होंगी इंडियन उसकी उसके ऊपर एल का लोगो भी यही है योग शेम अहम थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली And now it is open for the house to discuss.